पीटीएम को चाहने वाले लाखों नहीं करोड़ों पश्तून हैं। आप उनकी कयादत के साथ ये कर रहे हैं और उस कयादत के साथ कर रहे हैं जिसके घर से 18 जनाजे गए। लाख हम इख्तलाफ करें, उसका रवैया ये है वो है वो है, उसके घर ने क्या अब नहीं बर्दाश्त। और ये 11 अक्टूबर को जो चीजें हो रही हैं, अगर नॉर्मलाइज अभी भी वक्त है ना की गई तो फिर बड़े सख्त फैसले होंगे। मैं ये देख रहा हूं कि फौज या इदारे मंजूर पश्तीन लोगों को अपने साथ नहीं मिला पाए, कहीं ऐसा ना हो कि टीटीपी उनको अपने साथ मिला ले। हालात हम यहां तक ले गए, जब वो देखेगा कि ये फरीक भी सुनने के बजाय ये भी हथियार वो कर रहा है, टीटीपी से हम वैसे मार खाते रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि एक को दोस्त बनाया जाए। और ये बातें मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ और ये आपको होता हुआ नजर आएगा। जो चमन में बैठा हुआ है परलत, जो धरना पहले इधर से क्वेटा से मुआजिज कबैली शख्सियत को दरमियान में ला के उससे ऐलानात करवा के फिर उसको रुसवा कर दिया, और उसमें 3 ब्रिगेडियर बैठे हुए थे, तो शायद उनके दरमियान ये डिश किया जा सकता हो, लेकिन बलूचिस्तान और कबैली रिवायात में जबान सब कुछ होती है। वो कहते हैं कि अगर आपकी जबान और आपके किरदार में यहाँ पे मुमासलत ना हो तो आपकी कोई भुकत नहीं, और अभी जो टफ टाइम आपने दिया हुआ है और वो लोग फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं, तो याद रखिए ये लोग भी मुस्तकबिल के टीटीपी होंगे, मुस्तकबिल के दाएश होंगे। खुदा ना खास्ता, मैं 100 बार कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ मुंह में खाक ये ऐसा है कि वो कल अदम तंजीम की जानी चाहे, लेकिन हमारे रवैयों ने उनको उस इंतहा तक ला कर, अदालतें क्या हैं आप देख रहे हैं, चीफ जस्टिस का के बाद वाले कुछ 8 जजों को वो एक फैसला था वो पसंद नहीं आया, ताकतवर हलकों को उनके पीछे पड़े कि 8 क्या 18 भी आ जाए हमने नहीं मानना, और कोई नहीं मनवा सकता। क्या इलेक्शन कमीशन है, क्या ब्यूरोक्रेसी है यार, सब पिट बन चुके हैं। इनसे जो इख्तलाफ करेगा ये उस वो चाहे चीफ जस्टिस भी होगा उसको एक सिपाही की तरह ट्रीट करते हैं। इनका इनकी सूची ताकतवर हलकों ऐसी है कि ये इसने हमसे इख्तलाफ किया है, इबरत का निशान बनाओ इसको, और बनाते हैं ये किसी को भी उठाएं, किसी को भी लापता करें, किसी को भी मार दें, कोई कुछ नहीं कह सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले कुछ नर के बच्चे जजेस बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत इनसे आंखें लड़ाते हैं तो उनको क्या क्या नहीं किया रहा, उनकी डिग्रियां कैंसिल करवाई जा रही, उनके खिलाफ के आइंदा किसी भी जज को यहां से किसी भी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। और फिर कहते हैं पार्लियामान का इस्तेकाक है कानून साजी करना, ओ भाई कौन सा पार्लियामान, ये फ्राडिया पार्लियामान सारा फार्म 47 से भरा हुआ है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 100 वोट नहीं दिए, हकीकत है। अब बलूचिस्तान से जो गए हैं हमें तो मालूम है ना कौन कौन से हमें नहीं पता, तो हमें तो पता है कौन क्या है, शायद आप लोग भी ऑपरेशन करो उधर से, वो भी उनको फिर बहुत सारे इंटेलिजेंस इदारे और भी सपोर्ट करने वाले, तो ये ना रुकने वाला सिलसिला होगा जो आज शायद बलूचिस्तान वजीरिस्तान में है, कल यही लाहौर इस्लामाबाद में धमाके और टारगेट किलिंग उस नए पे शुरू हो गई, तो फिर वो मुल्क क्या मुल्क कहलाएगा। फिर वो हम कहते तो हैं कि शाम लीबिया फिलहाल 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 हम शाम लीबिया उनकी मिसालें तो देते हैं, काज नहीं समझते, काजे माँ भी शायद हमारी जैसी थी, बस वो आने वाला वक्त है, अगर हमने अभी भी होश के नाखन न लिए तो शायद हमारी मिसालें उनसे भी कहीं ऊपर चली जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करेंगे कि अली वजीर जिसको 3 MPO के तहत पंजाब में रावलपिंडी जेल में जो DC हैं रावलपिंडी के उन्होंने 3 MPO के तहत बंद किया, मतलब हद हो गई है। पीटीएम को चाहने वाले लाखों नहीं करोड़ों पश्तून हैं, आप उनकी कयादत के साथ ये कर रहे हैं और उस कयादत के साथ कर रहे हैं जिसके घर से 18 जनाजे गए हैं। लाख हम इख्तलाफ करें, उसका रवैया ये है वो है वो है, उसके घर ने क्या अब नहीं बर्दाश्त किया। और अजीब मंदक है, अजीब केस बनाए जाते हैं, हम चाहते हैं चीज नॉर्मलाइज, ठीक है होती है ऐसा ऐसा, जब आप किसी को वो कुछ बोल भी रहा होता है कुछ नहीं कर रहे होते और बड़ा लेवरेज दे रहे होते हैं तो इंसान कहता है कि ये शायद पिछली चीज़ों का भी मदावा हो रहा है,
और रियासत ने अब ये फैसला किया कि प्यार प्यारे तरीके से डील करना है। लेकिन जब हम देखते हैं कि चीजें सही हो रही होती हैं और फिर एक यलगार हो रही होती है, फिर काम बड़ा खतरनाक होता है। और ये 11 अक्टूबर को जो चीजें हो रही हैं, अगर नॉर्मलाइज अभी भी वक्त है ना की गई, तो फिर बड़े सख्त फैसले होंगे। मैं ये देख रहा हूं कि फौज या इदारे मंजूर पश्तीन लोगों को अपने साथ नहीं मिला पाए, कहीं ऐसा ना हो कि TTP उनको अपने साथ मिला ले। हालात हम यहां तक ले गए, जब वो देखेगा कि ये फरीक भी सुनने के बजाय ये भी हथियार वो कर रहा है, TTP से हम वैसे मार खाते रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि एक को दोस्त बनाया जाए। और ये बातें मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूं और ये आपको होता हुआ नजर आएगा। और फिर हम कुछ करने के बजाय, लोगों को रोजगार देने के बजाय मजीद घटा रहे हैं। जो चमन में बैठा हुआ है परलत, जो धरना पहले इधर से क्वेटा से मुआजिज कबैली शख्सियत को दरमियान में ला के उससे ऐलानात करवा के फिर उसको रुसवा कर दिया, और उसमें 3 ब्रिगेडियर बैठे हुए थे, तो शायद उनके दरमियान ये डिच किया जा सकता हो। लेकिन बलूचिस्तान और कबायली रिवायात में जबान सब कुछ होती है। वो कहते हैं कि अगर आपकी जबान और आपके किरदार में यहाँ पे मुमासलत ना हो तो आपकी कोई वक़्त नहीं रहती। और चमन में आप लोगों ने ऐसा किया और यहाँ तक कहा जाता है कि हल्फ भी लिया, तो लगता यही है कि ताकतवर हल्के हस्बे मामूल अपनी माजी की रिवायत को बरकरार रखते हुए हल्फ से रुगर्दानी कर गए। और अभी जो टफ टाइम आपने दिया हुआ और वो लोग फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं, तो याद रखें ये लोग भी मुस्तकबिल की TTP होंगे, मुस्तकबिल के दाइश होंगे। खुदा ना खास्ता, मैं 100 बार कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ मुँह में खाक ये ऐसा कि वो कलदम तंजीम की जानी चाहे, लेकिन हमारे रवैयों ने उनको उस इंतहा तक ला खड़ा। और पहले जो वो बॉर्डर पे 2000 कमाता था ना, ये कलदम तंजीमें उसके 5 गुना ज्यादा देकर उनको रिक्रूट करेंगी। और याद रखिए उस तरफ भी ये लोग हैं, इस तरफ भी ये लोग हैं, और ये बड़ी संगीन गलती हो कि ये इक्का दुक्का चेक पोस्ट नहीं रोक पाए, इक्का दुक्का आपकी ये बाढ़ नहीं रोक पाए। क्यों हम ऐसे फैसले लेते हैं, क्यों हम ऐसे फैसले लेते हैं लोगों को इतमाद में लिए बगैर? अनवारुल हक काकड़ जिसकी टके की बुकत नहीं, आप ऐसे लोगों को मशवरे में लेते हो? आप कम से कम हकीकी लोगों को, आप बदकिस्मती है ताकतवर हल्कों की कि वो ऐसे लोगों को साथ मिलाते हैं जिन जो उनकी वाहवाह करती हैं और जो उनके खुशामदी बनते हैं, और फिर हालात ऐसे होते हैं। आप कम से कम मुख्तलिफ आवाजों को सुनना शुरू करें, उनको देखें, किसी मुस्तकबिल पर जाएं। सियासी लोगों के फैसलों से राख इख्तलाफ सही, लेकिन वो ऐसा रास्ता निकालते हैं जो माकूल रास्ता होता है। लेकिन जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा वो फैसला लेती है जो एक रिजिड फैसला होता है, जिसमें लचक ही नहीं होती है, जो अब चमन धरने में देख रहे हैं। क्यों करते हैं? और यकीन जानिए बहुत अवाम में, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल बहुत कशीदा है, बहुत कशीदा है। सिर्फ चिंगारी की जरूरत है। और वजीरिस्तान, हम बलूचिस्तान का तो बहुत रोना रोते हैं, रोना चाहिए, वजीरिस्तान तो हमसे भी गया गुजरा, हमें इतनी सूरत हाल का पता नहीं था, क्योंकि हम भी पहले तो कम्युनिकेशन के सोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं थे। फिर जब हम पढ़ने गए दूसरे सूबों में और फिर इंटरेक्शन हुआ वजीरिस्तान वालों से, तो वजीरिस्तान वालों की जो तबाही है, और हम तो चले ही जंगों पर हैं, बस ये ऑपरेशन कर दिया डॉलर आ गए, ये ऑपरेशन किया डॉलर आ गए, हमारा क्या हुआ? हमने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब उनकी जो नस्ल तैयार हुई है, उनके जो अल्फाज हैं, ये कोई बनावटी अल्फाज नहीं है। मैं जो बात करता हूँ ये कोई बनावटी नहीं होती है, ये मैं आपको एक लेमैन की बातें करता हूँ, और मेरी यही कोशिश होती है मैं वो बातें करूँ जो बलूचिस्तान का या वजीरिस्तान का एक आम आदमी सोचता है। मैं वो आम अल्फाज, आम सोच आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, ये वो आम सोच है। और ज्यादा सख्ती ने यहाँ तक ला खड़ा किया, इससे ज्यादा क्या सख्ती करोगे, एक एटम बम गिरा दोगे और तो कुछ नहीं। अभी आपने ऑपरेशन करना है, मर मर के वो बेचारे 2009 से जलील ख्वार हो रहे हैं, कहाँ उनकी इज्जत रह गई है, कहाँ खवातीन की कोई इज्जत रह गई, कोई मलिक था उसकी क्या इज्जत रह गई? जब आप अपने घर, आपके घर बिल्डोज किए जाएं, उन पर बमबारी हो, क्या रह जाता है? आप फिर टेंटों में पड़े हो, ना बच्चों की इज्जत हो, ना खवातीन की इज्जत हो,
फिर वो आटों की लहनों के लिए भी आप जो है ना लहने बनाएं कि चंद किलो आटा मिलेगा। तो बस अल्लाह किसी को मजबूर ना करे। जब कोई घर छोड़ता है और कहा जाता है कि आप घर छोड़ दें, अपना इलाका छोड़ दें, एक नई जगह पे, ना आपके पास कुछ हो, ना आपको कुछ लेकर जाने दिया जाए, तो ये बहुत टफ लाइफ गुजर होती है। और मैंने ये देखी है, ये मंजूर पश्ती, ये दूसरे ये सारा वो ग्रुप है, इन्होंने देखा है। तो इससे ज्यादा वो क्या होंगे जो जलील ख्वार हो रहे हूँ, आप उनको बंद करें जेल में कुछ वक्त के लिए और फिर डराने की कोशिश करें, उस चीज से वो डर, वो कैद की सौंपतें ये चीजें अब फखर समझते हैं। और बहुत हो गया, डराओ उसको जो डरता हो, आपने इतना डराया, इतना जुल्म किया कि अब नहीं डरते हैं लोग। आप लोग कहते हैं कि यार ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है जहां सुकून तो होगा, यहां तो आए रोज ये ड्रामा शिक लगाई हुई है। अदालतें क्या हैं आप देख रहे हैं, चीफ जस्टिस का के बाद वाले कुछ मौत, 8 जजों को वो एक फैसला था वो पसंद नहीं आया, ताकतवर हल्कों को उनके पीछे पड़े कि 8 क्या 18 भी आ जाए हमने नहीं माना, और कोई नहीं मनवा सकता। क्या इलेक्शन कमीशन है, क्या ब्यूरोक्रेसी है यार, सब पिट बन चुके हैं। इस मुल्क का निजाम जंगल की तरह, या तो कहते हैं ना कि जंगल का कानून है, या तो ताकतवर बनो या ताकतवर की खुराक। अब वो ताकतवर ताकतवरों की तरह नहीं बन सके, अब खुराक बना हुआ है हर इदारा उस ताकतवर का, अब करो यही हाल होगा जो कोई। और दूसरा, इनसे जो इख्तलाफ करेगा ये उस वो चाहे चीफ जस्टिस भी होगा उसको एक सिपाही की तरह ट्रीट करते हैं। इनका इनकी सूची ताकतवर हल्कों की ऐसी है कि इसने हमसे इख्तलाफ किया है, इबरत का निशान बनाओ इसको, और बनाते हैं। ये किसी को भी उठाएं, किसी को भी लापता करें, किसी को भी मार दें, कोई कुछ नहीं कह सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाले कुछ नर के बच्चे जजेस बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत इनसे आंखें लड़ाते हैं तो उनको क्या क्या नहीं किया रहा, उनकी डिग्रियां कैंसिल करवाई जा रही है उनके खिलाफ, कि आइंदा किसी भी जज को यहां से किसी भी और हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। और फिर कहते हैं पार्लियामान का इस्तेकाक है कानून साजी करना। ओ भाई कौन सा पार्लियामान, ये फ्राडिया पार्लियामान सारा फार्म 47 से भरा हुआ। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 100 वोट नहीं लिए हकीकतन यार, अब बलूचिस्तान से जो गए हैं हमें तो मालूम है ना कौन कौन से मैंने बने, तो हमें तो पता है कौन क्या है। तो बस कर दो, पार्लियामान वो बाइज्जत है जो अवाम की नुमाइंदा, ऐसी पार्लियामान लाओ उससे आप कोई भी कानून साजी करवाओ। आए रोज ऑर्डिनेंस, ये बिल्कुल थिएटर में भी इससे कम दो नंबरियां होती हैं जो हमारी इस मुल्क में सल्तनतें फार्म 47 में हो रही है। अब यही है, आप उन लोगों का दुखों का मदावा करने के बजाय आप मजीद सख्तियां कर रहे हैं। यही कह रहा हूं कि पहले क्या था, वो 11 अक्टूबर को उन्होंने रखे हुए कम होनी थी, वो हर वक्त उनकी यही बात होती है कि हम विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चलेंगे, लेकिन आप मुफ्त में उनके लोगों को सख्तियां दिला दिला के मुफ्त में बंद किया। 3MPO या अंग्रेज का कानून, बस कर दो यार। और अगर वो लोग, उन्होंने कहा कि यार जब तंग ही है, जब जेल में ही रहना है ना, तो फिर इससे बेहतर है फिर बलूच मॉडल पे जाए, कम से कम मर रहे हैं, इतने मरे हैं तो फिर कुछ मार के मरे। और इस पर गहरी सोच रहे हैं लोग, जो यूथ है उनके साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं वो इस चीज को बड़ा देख रहे होते हैं कि यार बहुत हो गया है। और ये मॉडल कहते हैं ये अदम तशद्दुद या ये चीजें ये महजिब सोसाइटी की बातें हैं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आप देखते रहो कि वो मार रहे हैं, जलील कर रहे हैं, बंद किया हुआ है और आप देख रहे हो, कहते हैं नहीं ये नहीं चल सकता। और खुदा ना खास्ता वो दूसरी जानिब चले गए तो बलोच का तो ईरान के साथ, गो कि आज कल ईरान सपोर्ट कर रहा है, और अगर ये पश्तून उस साइड पे चला गया, उस साइड पे भी पश्तून, तो ये बड़ा लीथल कम्बिनेशन, और ये बड़ा खतरनाक कम्बिनेशन। और पहले तो वो कह रहे थे कि हम TTP के खिलाफ हैं, बाद में देखें कि
दोनों तरफ से ही मार पड़ रही है और एक से सुलह करनी, फिर बेहतर है कि उससे करेंगे फिर मिलकर इनके खिलाफ लड़ेंगे। तो ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, इसको समझने की जरूरत है, नौजवान को समझने की जरूरत है। थोड़ा बहुत जो सियासी लोग हैं उनको पास लाओ, देखो तो सही कि क्या वो सोचते हैं। ये नौजवान लोग चाहे इधर से डीवाई की सूरत में हो या वहां से पीटीएम की सूरत में हो, ये पार्लियामानी सिस्टम पे कुछ ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, ये उसको फ्रॉड समझते हैं। वो कहते हैं ये फार्म 47 वाली गेम ही है। तो मेहरबानी करके कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसे स्टेप लें कि पता चले कि यार नहीं, अपने बच्चे हैं, गलतियां होती हैं, बहुत हुई हैं, मदावा करेंगे और ये भी अपनी जो लैंग्वेज है इसको थोड़ा सॉफ्ट करेंगे तो कुछ होगा, वरना जंग जंग में फिर ये जंग इंटरनेशनल हो जाएगी। शायद आप लोग भी ऑपरेशन करो उधर से, वो भी उनको फिर बहुत सारे इंटेलिजेंस इदारे और भी सपोर्ट करने वाले होंगे। तो ये ना रुकने वाला सिलसिला होगा, जो आज शायद बलूचिस्तान वजीरिस्तान में है, कल यही लाहौर इस्लामाबाद में धमाके और टारगेट किलिंग उस नहज पे शुरू हो गई, तो फिर वो मुल्क क्या मुल्क कहलाएगा? फिर वो हम कहते तो हैं कि शाम लीबिया फलां फलां, हम शाम लीबिया उनकी मिसालें तो देते हैं, काज नहीं समझते। काजे माँ भी शायद हमारी जैसी थी, बस वो आने वाला वक्त है। अगर हमने अभी भी होश के नाखन न लिए तो शायद हमारी मिसालें उनसे भी कहीं ऊपर चली जाए। तो अभी भी होश के नाखन ने ये 3MPO, ये दूसरी जरानत वाले कानून, ये नाजायज लोगों को तंग करना उठाना बंद कर दो, यही वाहिद हल है, बंद कर दो। शायद वक्त हमारे पास ज्यादा ना रहे, फिर इजाजत दीजिए, अल्लाह।